आलम नबी फाजिल जलील फ़ख्र अहल सुन्नत सरमाया अहल सुन्नत खतीब इब्न खतीब मेरा जनाब हजरत अल्लामा मौलाना फजल हनान रिज़वी साहब आपसे गुजारिश आप इस्तकबाल कीजिएगा। नारा तकबीर नारा तकबीर नारा तकबीर नारा रिसालत। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। तमामी अबाब एक मरतबा हजूर दी बारगाह बेकस पना दे अंदर अकीदत और मोहब्बत ना इस नीयत ना हजूर दी बारगाह च नजराना अकीदत पेश करो। जितने अबाब बैठे हो इन्हां दे अजीज ओ कारब च कोई भी दुनिया तो चला गया है उन्हां दी बुलंदी ए दराजात वास्ते एक मरतबा बाबा से बुलंद हजूर दी बारगाह नजराना अकीदत पेश करो। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। बी शाले शबाब की महफिल पा के माशाल्लाह अल्लाह रब्बुल इज्जत सब नू हजूर की बारगाह च नियाजमंदी और अकीदत का इजहार करने की तौफीक अता फरमाए। दरूद शरीफ सब इबादतों तो बड़ी इबादत है सब इबादतों तो बड़ी इबादत है। मेहरबानी बाबा से बुलंद हजूर की बारगाह नजराना अकीदत पेश करो। दरूद शरीफ हजूर फरमाने ने मेरे करीम आका अपने सहाबी हजूर की बारगाह तशरीफ फरमान मेरे आका फरमाने सहाबा मैनू मुसाफिर का प्याला ना समझो। दानिश भाई हजूर फरमाते ने मैं मुसाफिर का प्याला ना समझो। शाबर्द की या नबी अल्लाह मुसाफिर का प्याला ना समझो समझ नहीं आई। हजूर फरमाते ने जिम्मे कोई बंदा सफर करता है अपना जाते राह समान ना लेके जाता है रस्ते जो उन्होंने जरूरत पैंती है प्यास लगती है अपना समान खोल दे प्याला कट दे पानी पींद जितनी जरूरत उन्हें पी लिया जितना बच गया डोल दिता। फरमाए मैं मुसाफिर का प्याला ना समझ जितने लोड़ पी उ याद कर लिया। हजूर फरमाते ने दुआ के शुरू से भी मैं याद रखिया करो दुआ के दरमियान से भी याद रखिया करो दुआ के आखिर से भी याद रखिया करो। अल्लाह उस दुआ को आप ही कबूलियत की मुरादा फरमा देता है। दरूद शरीफ ने सब इबादतों तो बड़ी इबादत है किबला शाह जी तशरीफ फरमाने नबी दी आल एक मरतबा बाबा से बुलंद हुजूर दी बारगाह नजराना किदर पेश करो। बाबा से बुलंद पढ़ो सल्लल्लाहु अलैहि कया या रसूल अल्लाह व सल्लम अलैका या ए दो दिन दा मेला ए दो दिन दी यारी निभांदा ना यारी कोई उम्र सारी ए भुलियां है जिस घर नू उस घर च आके ए लाना है डेरा तू जिस घर च जाके तेरे उस घर दा न बूहा न बारी ए दो दिन दा मेला ए दो दिन दी यारी जदू विच कबर दे नकीरां ने आउणा ते आके जदू तैनू पुछना पुछाउणा। शेर नहीं हकीकत है हजूर फरमाते ने जदू बंदा कबर च जांदा है उहदे नाल लेटे हुए बंदे नाल सवाल नहीं हुंदे उहनू उठा के बिठाया जांदा है फिर उहदे कोल सवाल जवाब हुंदे ने ते जे दुनिया दे उत्ते हजूर दे गीत गांदा रिहा ते फिर इह कहवेगा जदू विच कबर दे नकीरां ने आउणा ते आके जदू तैनू पुछना पुछाउणा। की होवेगा उत्थे आवेगी मुस्तफा दी सवारी ए दो दिन दा मेला ए दो दिन दी यारी। अल्लाह रब्बुल इज्जत दी हमद सना तो बाद हुजूर ताजदार अंबिया राहत हस का ताजदार हसीना माह खूबा सरवर लाला रुखा आप दी जात अकदस दरूदां दे फुल निशावर करने तो बाद अज दी ए इशाले शबाब दी तकरीब ए सही मेरे बरादरम अजीजम इज्जत माफ जनाब अहमद अली एवान साहब आप दे वालदे गिरामी नवर अल्लाह बरकदा उना दे चेहलम दी तकरीब ए सही सजाई गई। मेरा मालिक हजूर दे वालदैन करीमैन दा सदका उना दी कुल्ली बख्शिश फरमाए। सारे बोलो आमीन।
अल्लाह करीम उन्हां दी कामिल मगफरत फरमाए, दराजात बुलंद फरमाए। और माशाल्लाह सारे हजूर दे सना खां गुलाम तशरीफ फरमा ने आले नबी औलादे अली किबला पीर सैयद अकरम शाह साहब गिलानी और हजूर किबला पीर सैयद मुदस्सर शाह साहब जितने भी उलमा कारी हजरात तशरीफ फरमा ने सब ने अपनी अपनी अकीदत और मोहब्बत का इजहार किया है। मैं सिर्फ चंद गल्लां इशाले शबाब दी आप उस इनवान ते पेश करके इजाजत चाहवांगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने महबूब पाक का सदका जिन्हां दे वालदे ने याद ने उन्हां नूं उम्रे खदरी अता फरमाए और जिन्हां दे दुनिया फानी ते चले गए ने अल्लाह करीम कामिल बख्शिश फरमाए। सब बोलो आमीन। हज़रात गिरामी कुरान फरमांदा है वबिल वालिदैन इहसाना, अपने मां बाप ना नेकी कर। मां बाप जिंदा होनिया दुनिया तू चले जान। मेरे करीम नबी अलैहिस्सलाम आप तक फरमाने अली शाह ने तवज्जो फरमाना जरा बाबा जी कादरी साहब हजूर फरमाते ने बाप की दुआ बेटे दे हक विच इंज कबूल हुंदी है जिवें नबी की दुआ उम्मत दे हक विच कबूल हुंदी है। हदीस मुबारक पेश की थी हजूर फरमाते ने बाप की दुआ बेटे के हक में इंज कबूल होंगी है जिवें नबी की दुआ उम्मत के हक में कबूल होंगी है। हजूर की बारगह बंदा अदर या नबी अल्लाह इजाजत दो ना मैं जिहाद करना चाहना। फरमाया मां बाप है नहीं जी या नबी अल्लाह। फरमाया जा घर जाके उन्होंने खिदमत कर, उन्हों की सेवा कर, उन्होंने जाके खिदमत कर। हजरत फारूक आजम का जमाना आपकी बारगह च एक बंदा आया सब अजमत वालदेन के हवाले न और एक इशाले सवाब के हवाले भी गल पेश करके इजाजत चाहवांगा क्योंकि मां मां का भी बड़ा रुतबे है बाप का भी बड़ा मुकाम है। मेरे एक ही कर ली लो जी बस ऐ करके इजाजत चाहने हैं। मां की बड़ी शान है बाप का भी बड़ा मुकाम है। हजरत फारूक आजम का जमाना बंदा आ गया कहने लगा जी बड़े गुनाह किए ने तौबा हो सकती है। फरमाया मां है ही कहने लगा जी नहीं फौत हो गई। पर मैं जा फिर उसकी बारगाह जाके इस्तिगफार कर तौबा कर जे रहम आ गया तो माफ फरमा देगा। बंदा चला गया बंदियां पूछा हजरत अमीरुल मोमिनीन फारूक आजम की बारगाह अमीरुल मोमिनीन बंदे ने सवाल किया तौबा तो तुसा पूछे मां है ही। फरमाया हां ता पूछया सी अगर उसकी मां जिंदा होती तो उन्होंने इतनी ज्यादा मुशक्कत नहीं सी करनी पैनी। हजूर ओ किवें? फरमाया उसकी मां उसके वास्ते बख्शिश की दुआ मांगदी रब ने फौरन कबूल फरमा लेनी सी। क्यों? हजरत मूसा अलैहि सलाम को दूर से कदम रखने लगे फरमाया मूसा आज संभल के आना। ओ हाथ उठा के दुआ करने वाली मां नहीं रही मां होवे ते रब करीम मजीद करम और कमाल अता फरमांदा है। मां दा मुकामो मर्तबा है ते बाप दी शान है। हजूर फरमांदे ने बाप दी दुआ बेटे दे हक विच इंज कबूल हुंदी है जिवें नबी दी दुआ उम्मत दे हक विच कबूल हुंदी है। दुआ दा मुकामो मर्तबा बेमिसलो बेमिसाल है। हजूर करीम आका अलैहिस्सलाम अल्लाह करीम हजूर दे शहजादे दा सदका हसनैन करीमैन दा सदका अहमद भाई दे वालदे गिरामी दी कामिल बख्शिश फरमाए कामिल मगफरत फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत दीन और दुनिया दी सब नु खैरा बरकत अता फरमाए। वाखिर दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल